68 वर्षीय बुजुर्ग में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मरीज को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। पंचकुला में अब तक 17 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और अब 68 साल के एक बुजुर्ग में भी पुष्टि हुई है। एक और तबलीगी कोरोना पॉजिटिव मिला है। 68 वर्षीय बुजुर्ग में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। मरीज को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। पंचकुला में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 17 पॉजिटिव केस हो चुके हैं। पंचकुला में एक और तबलीगी कोरोना पॉजिटिव मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं पंचकुला से। और मरीज को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पंचकुला में अब तक 17 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और लगातार यह आंकड़ा पंचकुला में बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले अगर एक दो दिन की बात करेंगे तो इन दो दिनों में बहुत तेजी से पंचकुला में ये संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है और पंचकुला में अब तक 17 कोरोना पॉजिटिव केस हो चुके हैं। अब देखिए कि लगातार पंचकुला में आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। मरीज को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है और सबसे चिंता की जो बात है वो ये कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोग हैं उनमें से ये एक और मामला जो तबलीगी कोरोना पॉजिटिव है। उमंग शरण हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमंग, पिछले कुछ दिनों की बात करें तो बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ा है, एक और तबलीगी से जुड़ा हुआ व्यक्ति पॉजिटिव। जी बिल्कुल, देखिए पंचकुला की अगर बात करें तो पंचकुला में लगातार पिछले 24 घंटों में कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें पंचकुला सेक्टर 15 की महिला के परिवार के 7 लोग पॉजिटिव आए हैं। जिसके बाद प्रदेश और एक जमाती के पॉजिटिव आने के बाद अब 2 और पॉजिटिव केस आज सुबह और दोपहर में आए हैं, जिसमें वो भी जमात के ही है जो क्वारंटीन सेंटर में थे पहले से, उनके टेस्ट जो है अब वो पॉजिटिव आए। इसके साथ ही पंचकुला का जो डाटा है वो अब बढ़कर 17 हो गया है और इनमें से 2 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं जिन्हें होम क्वारंटीन में रहने के लिए कहा है स्वस्थ होने पर। वही जो बाकी लोग हैं 15 वो तमाम लोग पॉजिटिव केस, अभी भी उनका इलाज चल रहा है। पंचकुला में आज 2 केस सामने आए हैं, कल रात को 1 केस सामने आया, उसके बाद जमाती की संख्या भी इन मरीजों में से 6 हो गई है, यानी कुल 17 में से 6 जमाती हैं और 9 एक ही परिवार के हैं, जबकि 2 ऐसे हैं जो ठीक हो गए हैं। ठीक है उमंग, एक चीज बताइए कि ये जो नया केस आया 68 वर्षीय बुजुर्ग, ये दिल्ली से आए थे जमात से और उसके बाद इन्होंने स्वेच्छा से सामने आके बताई थी कि भाई ये जमात में गए थे, या फिर अब जब तबीयत बिगड़ गई तब सामने आए? नहीं गौरव जी, मैं आपको बताना चाहूंगी दिल्ली से निजामुद्दीन वाले जमाती नहीं है, जमात तैयार से गई थी देश में, ये राजस्थान और महाराष्ट्र से जुड़े जमाती हैं जिन्हें जब पूरे हरियाणा में जमातियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा था उस वक्त ये भी सामने आए थे और इनको भी क्वारंटीन सेंटर में तब से रखा गया था। इनके पहले भी सैंपल जो है जांच के लिए जा चुके हैं, लेकिन उस वक्त इनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई थी, लेकिन इनको डिस्चार्ज किए जाने से पहले रिपोर्ट दोबारा तैयार की जाती है ताकि ये पता किया जा सके कि दोबारा भी नेगेटिव है तभी डिस्चार्ज किया जाए। लेकिन अब दोबारा जब टेस्ट किए गए हैं तो ये रिपोर्ट जो है कुछ की नेगेटिव पॉजिटिव आ रही है। जी मतलब ये वो लोग हैं जिनको पहले से आइसोलेशन वार्ड में रखा, जिनको पहले से क्वारंटीन किया गया है। जी बिल्कुल, ये वही जमाती हैं जो पहले से क्वारंटीन में हैं और इनका दोबारा टेस्ट कराया गया है तब ये इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बहुत शुक्रिया उमंग आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 68 वर्षीय बुजुर्ग में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है पंचकुला से। इस वक्त की बड़ी खबर।